बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है पन्ना के बनोली स्थित है कंकाली माता मंदिर कुआं ताल में चैत्र नवरात्रि को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस क्रम में नवरात्रि मेले को लेकर पवई विधायक प्रहलाद लोधी और जिला पंचायत अध्यक्ष मीना राजे की अध्यक्षता में समक्ष बैठक संपन्न हुई, जिसमें आगामी 30 मार्च से लगने वाले 10 दिवसीय मेले को लेकर चर्चा हुई। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या योजना दान योजना के तहत होने वाले विवाह को लेकर भी विशेष चर्चा की गई। इस दौरान कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। पिछली बार पार्किंग व्यवस्था क्योंकि वीएचएन था तो काफ़ी ज़्यादा बड़े वाहन आने की संभावना थी तो उसको दूर रखा गया था। इस बार पार्किंग व्यवस्था सभी पहुंच मार्गों के पास में ही रखा जाएगा और उनकी अलग अलग व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए हम लोगों ने एहतियातन तौर पे पहले से ही ट्रैफिक डिपार्टमेंट और PWD को बता दिया कि प्रॉपर स्टॉपर्स लगा के उसको कवर कर लें ताकि वाहनों की थेफ्ट भी ना हो और प्रॉपर तरीके से वो पार्क हो पाए, जिससे कि आवागमन के मार्ग खुले रहें। आवागमन मार्गों में जो कुकिंग की कई सारी दुकान लगती थी और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की जो दुकानें लगती थी उसको प्रॉपर जोन बना के हम लोग कोशिश करेंगे कि वो प्रॉपर प्लेस पे लगी रहे, जिससे कि आने जाने वाले लोगों की आज वताल परिषद में माँ कंकाली के दरबार में मेला पे लेकर के बैठक हुई है। तो इसी के दौर में कन्यादान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को लेकर के चर्चा हुई है, जो 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया होती है उसमें यहाँ पर मुख्यमंत्री कन्यादान किया जाएगा। तो इसमें मैं सभी पत्रकार बंधुओं से, सभी अधिकारी कर्मचारी गणों से, सभी जनप्रतिनिधि गणों से, सभी जनता जनार्दन से मैं निवेदन करता हूँ कि अच्छे से अच्छा जितना ज़्यादा बन सके उतना प्रचार करके इस कन्यादान योजना को भव्य बना करके सफल बनाएं। देखिए, कुआं ताल मेला महोत्सव पन्ना जिले का प्राचीन ऐतिहासिक और गौरवशाली मेला है। पूरे प्रदेश के 10 जिलों के व्यापारी यहाँ आते हैं, 4 प्रदेशों के लोग यहाँ आते हैं, सुई से लेकर सोना चांदी तक यहाँ पे बिकता है। ये हमारी धरोहर है, ये इसको आगे बढ़ाना और उत्तरोत्तर इसमें समृद्धि लाना हम लोगों की सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। पिछले साल भी हमने कुआं ताल मेला महोत्सव मनाया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे शामिल हुए थे इस मेले में। इस बार उस मेले को और गौरवशाली तरीके से कैसे बनाना है, आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो मेले में दुकानदार व्यापारी आते हैं, उनको बेहतर सुविधा खाने पीने रहने शौचालय की बिजली की